हाँ जी, तो वेलकम है आपका अपने चैनल सावन आर्या में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी क्लाइंट को, किसी भी कस्टमर को क्लोज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो या फिर सेल ला सकते हो, राइट। तो दोस्तों, अगर आप एक फ्रीलांसर हो, अगर आप किसी भी प्रकार की एजेंसी रन कर रहे हो या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप किसी भी प्रकार की स्किल जानते हो और आपको कस्टमर चाहिए, क्लाइंट्स चाहिए, तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली, राइट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्लाइंट कन्वर्जन क्या होता है, क्लाइंट क्लोजिंग क्या होती है या फिर सेल, तो चलो सबको पता है। तो क्लाइंट कन्वर्जन या फिर क्लाइंट क्लोजिंग इसको बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी क्लाइंट, आपने उनको कहीं पे भी बोला कि यार हम मीटिंग करते हैं, वहाँ पे हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, आपके बिजनेस के बारे में जानते हैं और हम अपने सर्विसेज के बारे में आपको बताते हैं, क्या चार्जेस लेंगे, कितना टाइम लगेगा उस काम को करने में, तो सारा जो डिस्कशन होता है, एक छोटी सी मीटिंग होती है, बेसिकली वो एक क्लाइंट मीटिंग होती है। अब उस क्लाइंट मीटिंग में आपको करना क्या होता है कि आपको उसको क्लोज करना होता है। अब क्लोज करना मतलब कि उसकी जो सर्विसेज है, मतलब उसको जो सर्विसेज चाहिए, वो सर्विसेज वो आपसे बोल दे कि हाँ मुझे ये सर्विस चाहिए, उसके लिए वो पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाए, जितने भी आपके प्रोसीजर है उसको फॉलो करने के लिए तैयार हो जाए, एक प्रकार से वो ऑन बोर्ड आ जाए, राइट। एक प्रकार से वो क्लाइंट जो है आपका हो जाए, मतलब आपका बन जाए, राइट। उसको क्लाइंट क्लोजिंग या फिर कन्वर्जन बोलते हैं, क्लाइंट कन्वर्ट करना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप फेल आंसर हो तो देखो, इनिशियली आपको सारी चीज़ें सीखनी खुद पड़ेगी, क्योंकि आगे जाके आप एक सेल्स टीम हायर करते हो, फिर आप उस चीज़ को डेलीगेट करते हो। बट अभी के लिए अगर आप छोटी सी एजेंसी रन करते हो, अकेले कर रहे हो, फ्रीलांसर हो, तो आपको क्लाइंट क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो, अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिससे आपको बहुत हेल्प होगी किसी भी क्लाइंट को कन्वर्ट करने में। तो दोस्तों, जो मेरा जो पर्सनल तरीका है जिससे को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो फॉर एग्जांपल कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है, उसको कोई भी आपकी सर्विस चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल आप SEO करते हो, मैं SEO के एग्जांपल दे चुके प्रोफेशनली, मैं आई एम अ डिजिटल मार्केटर, तो मैं SEO के एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी भी क्लाइंट को अपने वेबसाइट का SEO करवाना है, तो अगर उसको मैं एक मतलब मीटिंग में लाता हूँ कि चलिए हम एक मीटिंग करते हैं, वहाँ पे हम मीटिंग में हम चीज़ें समझते हैं कि आपका बिज़नेस क्या है, मैं क्या आपके बिज़नेस में ऐड ऑन कर सकता हूँ, राइट। तो दोस्तों, सबसे सिंपल ट्रिक है, कभी भी क्लाइंट को ये मत फील होने दो आप कि आप सिर्फ उसके पैसे के लिए, कि मतलब कि आप $500 $600 आप चार्ज करते हो और आपको सिर्फ उसका प्रोजेक्ट किसी तरह चाहिए, और उसको आप उसको वहाँ पे ऐसे दिखाओगे कि आपके ऐसे हेल्प हो जाएगी, इतना रैंक हो जाएगा, ये वेबसाइट मतलब इतना ट्रैफिक आ जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप उसको पिच करने के लिए, मतलब एक बार क्लोज करने के लिए, मतलब क्लाइंट को लाने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें बोलते हो, बट एक्चुअली में आप वो चीज़ करते नहीं, राइट। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको उससे देखो, क्लाइंट सिंपल सी बात है, क्लाइंट बेवकूफ़ नहीं होता, राइट। वो हर एक चीज़ समझता है, आपसे पहले कई लोगों से मीटिंग कर चुका होता है, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा अवेयर इस चीज़, राइट। फ्रीलांसिंग मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो चुका है, स्टार्टिंग में ठीक था, अभी बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत फ्रॉड होते, बहुत सारी चीज़ें होती, राइट। तो क्लाइंट इतना बेवकूफ़ नहीं होता, उसको पता होता है कि उसको क्या चाहिए होती है आपसे, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या करना है कि हमेशा क्लाइंट की हेल्प करने की कोशिश करनी है। अब हेल्प करने मतलब वैल्यू ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आता है मेरे पास, बोलते हैं ये मेरी वेबसाइट है, इसका SEO करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट ऐसे बोलता हूँ, ओके सर आप मुझे $500 दे दो, मैं आपकी वेबसाइट का SEO करके दूंगा? नहीं, आपको स्टार्टिंग में कुछ फ्री में चीज़ें बतानी होंगी जो उसके भी समझ में आए, लेवल लैंग्वेज में, कि उसको भी समझ में आए कि यार ये जो चीज़ें बोल रहे हैं ये प्रैक्टिकली है और लॉजिकल भी है, राइट। प्रैक्टिकल भी है, लॉजिकल भी है, तो आप स्टार्टिंग में उसको हेल्प कर सकते हो फ्री में कि सर ये चीज़ें हैं, आप ये खुद भी कर सकते हो। उसको ये फील होगा कि ये बंदा डायरेक्ट अप्रोच, हार्ड पिचिंग नहीं कर रहा, मतलब डायरेक्ट ये नहीं बोला कि आप मुझे पैसे दे दो, अपना प्रोजेक्ट दे दो और मैं आपको काम करके दे दूँ। उसको ये फील होगा कि यार ये बंदा मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, जिससे वो क्लाइंट आपसे लॉन्ग टर्म भी जुड़ता है। हो सकता है फर्स्ट मीटिंग में वो आपके साथ कन्वर्ट ना हो, बट ऐसे अगर आप उसकी वैल्यू ऐड करते हो उसके प्रोजेक्ट्स में, उसके बिजनेस में, और आप कुछ गाइडेंस देते हो, आप अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसको बताते हो सर आप ये चीज़ इंप्रूव कर लो, ये फिर ये चीज़ें कर लो, तो उसको ये ऐसा फील होता है कि यार ये मेरे मतलब की बात कर रहा है, ये अपने मतलब की बात नहीं कर रही, ये सिर्फ अपने सर्विस की बात नहीं कर रहा, ये एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन है, राइट। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत सारे क्लाइंट के साथ ये चीज़ यूज़ की है, मुझे अच्छा रिजल्ट, एक मीटिंग में कन्वर्ट नहीं होते, बट नेक्स्ट मीटिंग में वो खुद अप्रोच करते हैं कि यार एक मीटिंग अटेंड करते हुए मुझे ये चीज़ें जाननी होती है, तब वहाँ पे जैसे स्लाइटली जब आप उसके साथ एक कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है, तब आप उसको पिच कर सकते हो, मतलब उसको बोल सकते हो कि सर अगर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, टेक्निकल स्टफ है जो आप खुद हैंडल नहीं कर सकते या फिर आपकी नॉन टेक्निकल टीम नहीं कर सकती, बट वी आर प्रोफेशनल्स, राइट। हमारे पास एक प्रोफेशनल टीम है, मतलब एक्सपर्ट टीम है, जो आपको आपकी SEO करने के लिए या फिर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों, आप ऐसा कुछ पिच कर सकते हो, बेस्ट वे ये है कि आपको क्लाइंट को फील करवाने कि आप उसकी मदद करने जा रहे हो, उसकी हेल्प करने जा रहे हो। आप कभी भी क्लाइंट को ये फील ना होने दो कि यार मैं तो बस आपके प्रोजेक्ट्स ले आऊँ, आप पैसे दो, मैं काम करके दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता।
ठीक है, तो आपको एज अ सेल्स पर्सन, एज एजेंसी ओनर, एज अ फ्रीलांसर आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा थोड़ा चालाकी से काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत तो नहीं पर ठीक ठाक पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती तो अपने सभी फ्रीलांसर फ्रेंड्स के साथ, एजेंसी ओनर्स के साथ, जहाँ पे भी शेयर कर सकते हो कर दो, किसी की भी हेल्प हो जाएगी। और फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो अगर आपके पास कोई भी स्किल है, ग्राफिक डिजाइनिंग, SEO, डिजिटल मतलब PPC, फेसबुक ऐड, आपको सोशल मीडिया हैंडल करना आता है, या फिर आपको वेबसाइट डिज़ाइन करनी आती है, वेबसाइट डेवलप करना आता है, ऐप बनाना आता है, कोई भी स्किल है, आप फ्रीलांसिंग आराम से कर सकते हो। तो ये इस उस चीज़ के लिए है कि आप फ्रीलांसिंग करोगे तो देखो सेल्स तो ज़रूरी है, सेल्स के बिना कोई भी कंपनी ड्राइव हो ही नहीं सकती, राइट। तो खैर ये वीडियो आपके लिए था, तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।